इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम एक्सोपोर्ट्स में डिस्कस करेंगे हाउ सेक्शुअल मेचोरिटी ऑफ इंसेक्ट्स इज इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स में हमने बात की हारमोन्स इम्पॉर्टेंट रे प्ले करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है इंसेक्ट्स को मेचोरिटी अटेन करने में वो है इसके अंदर फूड फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑर्डर ड्रिप्टीरा जिसमें मॉस्किटो इंक्लूडेड है उसको अंदर देखें तो उसमें जब तक फीमेल जो है एक प्रॉपर मील ले नहीं लेती उस वक्त तक इसके अंदर एग्स जो हैं वो मेचोर नहीं कर सकते इसी तरह से कितने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होने हैं दे आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू द क्वान्टिटी ऑफ फ़ूड कंज्यूम्ड बाई द फीमेल तो इसमें फूड जो है वो नंबर वन फैक्टर था डिटर्मिन करने में सेकेंड फैक्टर जो है वो इसके अंदर है फोटो पीरियड फोटो पीरियड हम किस को कहती हैं फोटो पीरियड हम कहते हैं द रेलेटिव लेंथ ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस इन आर ट्वेंटी फ़ोर आर पीरियड अब ये जो हैं फोटो पीरियड या फॉर टाइमिंग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इंसेक्ट्स के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती हैं इनके ऊपर सीजनल चेंजेस भी इफ़ेक्ट करती हैं और फोटो पीरियड इनकी एग प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अलावा पापुलेशन डेंसिटी टम्परेचर ह्यूमिडिटी दे आर ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अब मेल्स जो हैं इंसेक्ट्स के अंदर फीमेल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज शी इज़ द एग प्रोड्यूसिंग बॉडी मेल्स जो हैं नॉर्मली दे डाई आफ्टर मेटिंग वेदर फीमेल्स एंटर इन टू डायापिज एंड स्पर्म टिल द टाइम एग्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी और एग्स आर डिपॉजिटेड फॉलोड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अलावा इसमें मेल और फीमेल बॉडी के अंदर अनफेवरेबल पीरियड्स भी आ जाएंगे और वो अनफेवरेबल पीरियड्स में देर नॉर्मली एंटर इनटू अ डोरमेंट स्टेज या उसको हम इनकी नॉन रिसेप्टिव और रिफ्रैक्टरी स्टेट्स भी कह सकते हैं और इसके अंदर जब भी ये स्टेजेस होंगी इसमें दोनों फिनमिना जो हैं मेटिंग का और ओवीपोजिशन का दैट फॉलोज द डायापेस इसी तरह से मेल और फीमेल की बिहेवियरल स्टेट्स जो हैं दे आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक फोटोपीरियड और इसमें न्यूरो एंडोक्राइम सिस्टम और इसमें मेल के अंदर रेगुलेशन ऑफ मेल रिफ्रेक्टिवनेस इज ऑफन लेस स्ट्रिंगेंट अब इसमें एग्स सेक्सुअल मेचोरिटी में एक्सटर्नल फैक्टर्स अडल्ट अडल्ट नॉर्मली लेस एग्स एग्स जो हैं सिक्स से सेवन वीक्स में निम्फ में एंटर हो जाएंगे निम्फ़ जो हैं नाइन से थर्टीन मंथ्स तक एट टाइम्स ये मोल्ट करेंगे एंड विल एंटर इनटू टू एडल्ट स्टेज दिस इज़ द नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट बट एट डिफरेंट स्टेजेस एक्सटर्नल फैक्टर्स दे विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल like if there is temperature is not appropriate egg will not develop if there is a photo period the adult will not lay egg or if there is some moisture or humidity or some other problems then it's normal developmental life cycle will be affected and if adult is not getting any appropriate food, she will not lay so many eggs or eggs jo hai, agar unko normally एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो इनकी डेवलपमेंट निम्फ में नहीं होगी निम्फ़ को जो अगर नहीं मिलेगा तो इनकी नॉर्मल डेवलपमेंट एडल्ट में नहीं होगी सो दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स दे आल्सो कंट्रोल द पापुलेशन ऑफ द इंसेक्ट्स अदरवाइज दिस इफ दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फूड फोटो पीरियड टेम्परेचर दे हेल्प द इन डेवलपमेंट ऑफ एग्स होल दिस यूनिवर्स विल बी पाइल्ड अप insect population so it is a rule of nature so some uh, external factors they are given by the nature they affect the insect population control and also play important role in sexual maturity of insects